वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 7, चैप्टर नंबर 2, द दिल्ली सल्तनत, वीडियो पार्ट 5। इन द प्रीवियस पार्ट वी लर्न अबाउट फोर्ट्स एंड अदर्स कंस्ट्रक्शन। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर मीन्स विजयनगर साम्राज्य। इट्स टाइम पीरियड बिटवीन 1336 AD टू 1646 AD। उनका समय काल था 1337 ईस्वी सन 1337 से लेकर 1646 तक। सो लेट्स बिगिन। द प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत बिगन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विक सुल्तान्स ऑफ द तगलक डायनेस्टी। तगलक वंश के निर्बल सुल्तानों का समय, निर्बल सुल्तानों के समय के दरमियान दिल्ली सल्तनत का विघटन की, दिल्ली सल्तनत की विघटन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। दिस प्रोसेस एक्सिलेरेटेड ड्यूरिंग द सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी। ये विघटन की प्रक्रिया सैयद वंश और लोधी वंश के दरमियान ये प्रक्रिया बहुत ही झड़पी बनी। द सिचुएशन वॉज फर्दर डिटेरियोरेटेड बाय तैमूर इन्वेजन। ये जो सारी स्थिति थी वो स्थिति तैमूर जो शासक थे, तैमूर उनके आक्रमण के बाद, उनके आक्रमण के कारण ये सारी स्थिति जो थी ना वो हुई थी कि विघटन की प्रक्रिया उस समय के बाद शुरू हो गई थी तैमूर के आक्रमण के समय के बाद। और सैयद वंश और लोधी वंश के दरमियान वो प्रक्रिया सारी बहुत ही झड़पी बनी थी। Due to all these conditions, many North and South Indian states become independent, including Vijayanagar, Bahamani, Malwa, Mewar, Bengal, Jaunpur, etc. तो उनमें से जो ये सारी जो परिस्थिति हुई ना उनमें उत्तर और दक्षिण भारत के अनेक प्रदेश स्वतंत्र हुए, उसमें विजयनगर, बहमनी, मालवा, मेवाड़, बंगाल और जौनपुर ये सारे स्टेट जो है ना वो इंक्लूड हो जाते हैं उस समय पर जो उस प्रक्रिया में आ गए और स्वतंत्र बने पूरे ये सारे प्रदेश। लेट्स गेट सम इंफॉर्मेशन अबाउट विजयनगर एंड बहमनी। तो चलो हम विजयनगर और बहमनी राज्य के विषय उनके बारे में जानते हैं। सेकेंड पैराग्राफ। टू ब्रदर्स नेम हरिहर राय एंड बुक्का राय लेड द इंफॉर्मेशन ऑफ द विजयनगर, विजयनगर एम्पायर ऑन द बैंक ऑफ रिवर तुंगभद्र। दो ब्रदर्स थे हरिहर राय और बुक्का राय। ये दोनों ब्रदर ईस्वी सन 1336 में, यानी कि 1336 AD में, ईस्वी सन 1336 में तुंगभद्रा नदी के किनारे उन्होंने अपने राज्य की राजधानी विजयनगर साम्राज्य का उन्होंने फाउंडेशन किया था, यानी कि स्थापित की थी अपनी तुंगभद्रा नदी के किनारे अपने राज्य की राजधानी विजयनगर। Making in the capital of their kingdom, the town was initially known as Vidyanagar after the Guru Swami Vidyanarayan. शुरुआत में ये नगर जो था ना वो गुरु स्वामी विद्यारण्य के नाम से, उसके बाद विद्यानगर नाम से जाना गया। उनका जो पूरा ये साम्राज्य था, ये कैपिटल, ये राजधानी, वो पहले शुरुआत में गुरु स्वामी विद्यारण्य नाम से, उसके बाद उसके ऊपर से विद्यारण्य नाम के ऊपर से बनाया गया था।
और उसके बाद ये साम्राज्य पूरा विजयनगर नाम से जाना गया। लेटर ऑन इट वॉज कॉल्ड विजयनगर ड्यू टू मिलिट्री सक्सेस ऑफ देयर एम्परर्स। उसके बाद वो विजयनगर के नाम से जाना गया। क्यों जाना गया? क्योंकि उसके बाद उनके जो सारे सम्राट थे ना, वो उनके लश्कर मिलिट्री सक्सेस यानी इसकी लश्करी सफलता के कारण उसको विजयनगर नाम से जाना जाता था। उसके बाद हरिहर राय एंड बुक्का राय वर द किंग ऑफ द संगम वंश। हरिहर राय और बुक्का राय संगम वंश के राजा थे। संगम वंश जैसे कि सारी डायनेस्टीज है उसको वंश बोला जाता है डायनेस्टीज को, तो हरिहर राय और बुक्का राय संगम वंश के किंग थे यानी कि राजा थे। तो हरिहर राय और बुक्का राय संगम वंश के राजा थे, संगम डायनेस्टी। विजयनगर एम्पायर वॉज रूल्ड बाय द संगम डायनेस्टी, सालू डायनेस्टी, तोलू डायनेस्टी एंड अरविंदु डायनेस्टी। विजयनगर साम्राज्य संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अरविंदु वंश से पूरा शासन, ये सारे डायनेस्टी ने विजयनगर साम्राज्य के ऊपर शासन किया था। हरिहर राय फर्स्ट एंड बुक्का राय मेड एन इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन ट्विनिंग अ स्मॉल किंगडम इनटू एन एम्पायर। हरिहर राय प्रथम और बुक्का राय दोनों ने राज्य को, छोटे छोटे जो राज्य थे उनको साम्राज्य में परिवर्तन करने का एक महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने दिया था। किसने? हरिहर राय और बुक्का राय ने। रूल ऑफ द सुलवा डायनेस्टी लास्टेड फॉर 20 इयर्स एंड देन तुलुवा डायनेस्टी वॉज इस्टैब्लिश्ड। सालू वंश यानी कि सालुवा डायनेस्टी के 20 साल के बाद, सालुवा डायनेस्टी यानी कि सालुवा वंश के 20 साल के शासनकाल के बाद तुलुवा वंश, तुलु व वंश उसको बोला जाता है यानी कि तुलुवा डायनेस्टी, उसके बाद उनकी सत्ता आती है, उनकी वंश की स्थापना होती है। ग्रेट रूलर लाइक कृष्णदेव राय वॉज बोर्न इन द तुलुवो डायनेस्टी। ग्रेट रूलर यानी कि एक महान शासक, श्रेष्ठ शासक तुलुवो वंश के कृष्णदेव राय उनका जन्म तुलुवो वंश में हुआ था। हु वॉज द बेस्ट रूलर ऑफ तुलुवा डायनेस्टी ऑफ द विजयनगर एम्पायर। तो कृष्णदेवराज उस शासन काल के काल में तुलुवा वंश के विजयनगर साम्राज्य के श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ शासक थे। नॉट ओनली दिस, ही इवन गॉट द ऑनर ऑफ बीइंग अ ग्रेट रूलर ऑफ इंडिया। वो सर्वश्रेष्ठ शासक ही नहीं थे, उसके उपरांत भारत के एक महान शासक भी बने और उनका गौरव भी उनको मिला। ही वॉन मनी बैटल्स ड्यूरिंग हिज रीजन, और उन्होंने उसके शासनकाल के दरमियान काफ़ी सारे युद्ध में उन्होंने विजय प्राप्त की थी, विजय को हासिल किया था उन्होंने। तो उनका पिक्चर्स आप यहाँ पर देख सकते हो, दिस इज अ पिक्चर ऑफ कृष्णदेव राय। ही इज अ ग्रेट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। ऑल्थो कृष्णदेव राय स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज लाइफ ऑन द बैटल फील्ड,
कृष्णदेव राय ने अपना अपने जीवन का ज़्यादा समय युद्ध भूमि में ही पसार किया था। ज़्यादातर वो बैटल ही लड़ते रहे थे अपने जीवन के दरमियान। ही डिड नॉट नेग्लेक्ट द एडमिनिस्ट्रेशन, फिर भी उनका जो वहीवट तंत्र था वो सारा युद्ध भूमि के बिताने के बाद भी उनका जो वहीवट तंत्र था ना, उनकी उपेक्षा करी जा सकती है। उनकी उपेक्षा यानी कि उसकी वहीवट तंत्र, वो चाहे भले हो वो युद्ध लड़ने के लिए गए हो पर अपने जो राज्य थे उनके जो सारा वहीवट तंत्र पूरा वो मेंटेन करते थे वहीं से ही। ही गोट लेक्स एंड कैनाल्स ही गोट लेक्स एंड कैनाल डग इन द स्टेट एंड इन रिच एग्रीकल्चर। उन्होंने अपने राज्य में तालाब और नहरों को खुदवा के यानी कि डगिंग करवा के खेतीबाड़ी को क्या किया था, समृद्ध किया था। उन्होंने अपने राज्य में कैनाल और तालाब को खुदवा के डगिंग करवा के। ही ओबोलिश सम अनजस्ट टैक्स एंड गेन लव ऑफ द पीपल। उन्होंने अयोग्य जो टैक्स लिए जाते थे, अयोग्य यानी कि सम ओबोलिश टैक्सेस यानी कि अयोग्य कर जो लिए जाते थे उस समय पर, वो सारे कर उन्होंने नाबूद किए और प्रजा का प्रेम उनको मिला। और वो क्यों, क्योंकि सारे जो टैक्सेस लिए जाते थे ना, जो अबोलिश थे यानी कि अयोग्य सारे टैक्सेस जो थे ना वो उन्होंने नाबूद कर दिए। इसकी वजह से प्रजा जो थी ना पूरी उनकी राज्य की, उनको बहुत प्रेम करते थे यानी कि उनको बहुत पसंद करते थे। ही इस्टेब्लिश्ड अ टाउन कॉल नागलपुर नियर विजयनगर एंड डेकोरेटेड इट विथ वेरियस बिल्डिंग एंड टेम्पल्स। उन्होंने विजयनगर के पास नागलपुर नाम का एक नगर बसाया था। उस नगर में उन्होंने अनेक विविध इमारतों और मंदिरों को भी उन्होंने डेकोरेटेड किया था यानी कि पूरे उन्होंने बनवा के सुशोभित किया था। कृष्णदेव राय वॉज हिमसेल्फ अ ग्रेट स्कॉलर्स। कृष्णदेव राय खुद एक विद्वान थे। ही रोट सेवरल टेक्स्ट इन संस्कृत एंड तेलुगु। उन्होंने संस्कृत और तेलुगु भाषा में अनेक ग्रंथ लिखे थे। ड्यू टू द स्प्रेड ऑफ लिटरेरी आर्ट ही बिकम वेल नोन एज द भोज ऑफ आंध्रा। तो उनके साहित्य और कला से उत्तेजन के कारण आंध्र के भोज के नाम से वो जाने गए, पहचाने गए। आफ्टर कृष्णदेव राय डेथ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कॉन्स्पिरेसी स्टार्टेड इन विजयनगर। कृष्णदेव राय के मृत्यु के बाद विजयनगर में आंतरिक संघर्ष और षड्यंत्र शुरू हो गए। विजयनगर वॉज डिफीटेड बाय द यूनियन ऑफ मुस्लिम स्टेट्स इन द बैटल ऑफ तालिकोटा ऑन January 23, 1565। 23 जनवरी 1565 में तालिकोटा का जो युद्ध हुआ था उस युद्ध में मुस्लिम राज्यों से बना हुआ एक संघ था उसके सामने विजयनगर का पराजय होता है। इवन आफ्टर द वॉर विजयनगर एम्पायर लास्टेड फॉर अ सेंचुरी बट डिड नॉट अचीव द सेम ग्रैंड्यूर्स एज बिफोर। युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य एक सदी तक टिका रहा पर पहले जैसी भव्यता प्राप्त करने में वो सक्षम नहीं हुआ। पहले जैसी भव्यता, ग्रैंड्यूर्स मीन्स क्या बोला जाता है, उसको मीनिंग होता है भव्यता, वो प्राप्त करने में वो असमर्थ रहा। तो इस वाले वीडियो पार्ट में हम यहीं तक लर्न करेंगे, नेक्स्ट वीडियो पार्ट में मिलेंगे। तब तक ये वाला वीडियो पार्ट आपको अच्छे से लर्न कर लेना है, देख लेना है। तब तक के लिए वंदे मातरम, टेक केयर।